पावर जो यूज करते हैं इस देश के अंदर वो क्रिमिनल लॉ के जरिए करते हैं। और व्यवस्था में जितने भी लोग हैं, चाहे सीएम है, पीएम है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो कोई ऐसे सांड नहीं है इस देश को जैसे चाहेंगे, जैसे चलेंगे और जैसे बर्बाद कर देंगे इस देश को। सरकार अब तो लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार के बावजूद भी लोगों को जमानत नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस देश का इतना कमजोर हो गया है, ये चोरी चकारी के कानून है, ये देश के लिए खतरनाक कानून है, ये देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन है, ये देश में एक तरह से जीती जागती इमरजेंसी का प्रमाण है। साथियों, इस पे हम पहले भी बोल चुके हैं, तीन जो क्रिमिनल लॉज हैं जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं, वो पार्लियामेंट थे, पूरे देश की पार्लियामेंट ने ये पास नहीं किए। पहली बात है, क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है देश के सामने। पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनाने के तौर तरीके हमारे संविधान में हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं, दो तिहाई बहुमत से, कुछ सिंपल मेजोरिटी से, कुछ ऐसे जो दो तिहाई बहुमत भी चाहिए और आधे से ज़्यादा स्टेट की भी यस होनी चाहिए। इस तरह के कानून बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जितना महत्वपूर्ण मुद्दा है उसी तरह से। तो मगर कॉन्स्टिट्यूशन का ये कोई मकसद नहीं है कि पार्लियामेंट्स के मेम्बरों को भगा के और आप मेजोरिटी दिखा के कानून पास कर लो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट यानी उसके मौलिक जो मोरालिटी है उसके खिलाफ ये कानून पास हुए हैं। दरअसल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, कानून की भाषा में, संविधान की भाषा में। बेशक देश के लोगों को लगता हो कि पार्लियामेंट ने इनको पास कर दिया है और राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए हैं और काफ़ी केसेस पेंडिंग अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। शुरू में बहुत जल्दबाजी में इस देश के चीफ जस्टिस ने भी इन कानूनों के बहुत अच्छा कानून बता दिया था, उसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई, एडवोकेट्स लोगों ने उसकी भर्त्सना की कि इस तरह की स्टेटमेंट इस देश का चीफ जस्टिस को नहीं देनी चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ इंडिया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने कोई भी कानून चैलेंज हो सकता है। और ख़ासतौर पर जो नए कानून बनते हैं और ख़ासतौर पर ऐसे हालात में जहाँ तकरीबन 150 MPs को, वो 150 संख्या बहुत थोड़ी लगती है, वो 150 MPs नहीं है, वो 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके जो लोग हैं करोड़ों की संख्या में इस देश के लोग। इस देश का संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को धक्का दे के बाहर निकाला गया, बेइज्जत किया गया। ड्यूटी बनती थी स्पीकर की और सभापति की कि ऐसे माहौल में जब इतना इम्पोर्टेंट कानून पास करना है, उस पर डिस्कशन डिबेट करनी है, देश के सब लोगों के प्रतिनिधि यानी देश की पूरी जनता पार्लियामेंट में सुनिश्चित करना जिम्मेवारी है स्पीकर की और सभापति की। आप हाउस को कैसे रन करेंगे, उस प्रोसीजर के तहत चोर चकारी से लोगों को इस तरह सस्पेंड करने के, दिस इज़ द हाइट ऑफ द डेमोलिशन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन सिस्टम इन द कंट्री, ये बहुत गलत हुआ। तो इस आधार पे पूरे देश से ये निवेदन है और ये हम बताना चाहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक तरीके से पास किए गए हैं, ये कानून देश के कानून नहीं हैं, ये कानून मैथमेटिक्स के हिसाब से सही हो सकते हैं कि वे पार्लियामेंट में रखे प्रस्ताव पास हुआ, सबने हाथ खड़े कर दिए। और देश का दुर्भाग्य ये है कि देश के जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है ज़्यादातर को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर इस देश में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो बनाया है, जहाँ से पॉलिटिकल पार्टियाँ पैदा होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान से पैदा हुई चीज़ नहीं है वो। हमने संविधान के आधार पे ये किया कि संविधान की जो मौलिक चाहत है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, देश के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका और उनके प्रतिनिधि कैसे पार्लियामेंट में बिठा सकते हैं, वो एक तरीका निकाला। मगर वो तरीका अभी अधूरा, उसमें काफ़ी रिफॉर्म की जरूरत है और इन रिफॉर्म्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके आना चाहिए था इस देश के सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस देश का इतना कमज़ोर हो गया है या है, या उसको जिस हिसाब से आगे सुधार करके मजबूत होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारी गतिविधियां चेक करता है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है कि नहीं है, वो किन लोगों को टिकट देते हैं, देयर इज इंटरफेयर ऑफ द इंटरफेरेंस होना भी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्या इसमें सही पॉलिटिकल वर्कर को जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, क्या पॉलिटिकल पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज दे भी रही हैं, कोई ट्रेनिंग देती है कि नहीं देती अपने वर्करों को या अपनी पार्टी के मेंबरों को? ये सब धक्काशाही चल रही है देश में, देर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी इन एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री, दिस इज अ ग्रेव इनजस्टिस विद द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो
ये सारा का सारा देख के जो क्रिमिनल लॉ बनाए हैं, इतने महत्वपूर्ण कानून जो लोगों को जेल में डालना, किसी ने अपराध किया है किसी ने नहीं किया है, और सारी पुलिस की पावर जो यूज करते हैं इस देश के अंदर वो क्रिमिनल लॉ के जरिए करते हैं। आपने देखा भी कि कैसे पत्रकार इस देश में जेलों में रहे और नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनको जमानत नहीं मिली। जैसे इमरजेंसी में सारी जुडिशरी चुप हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, एकाध जज मुश्किल था जिसमें ने रीढ़ की हड्डी साबित की, वो थे जस्टिस एचआर खन्ना, जो आज के जस्टिस खन्ना उनके सगे चाचा, कोर्ट नंबर 2 से भी रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस नहीं बन पाए इस वजह से कि उन्होंने देश के लोगों की बात उठाई। इसलिए उनकी स्टैचू लगी हुई है कोर्ट नंबर 2 में। और सबसे ज़्यादा इस देश के लोग वकील उस आदमी की कदर करते हैं, किसी और जज की आज तक इतनी कदर यानी इज्जत माइंड में नहीं है किसी भी जज की। मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से लोग पसंद करें या उनकी इज्जत करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आदमी का आचरण, व्यवहार, उसके ज्ञान है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसा काम करता है और कितना योगदान करता है इस देश में, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। वो अपने फैसलों में कितना देश का प्रीएम्बल इम्प्लीमेंट करता है, वो अपने फैसलों में कितने इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। फैसलों कितने किस जज ने दिए कोई मान्य नहीं रखता। वो फैसले इस देश में कितना भाईचारा बढ़ाने में सफल हो रहे हैं, वो जजमेंट्स कितना इस देश में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस दे पा रही हैं। देश में असमानता का दौर इतना ज़बरदस्त है, चंद लोगों के पास इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई और बाकी लोग 80 करोड़ लोग निःशुल्क राशन, जिसमें बहुत भद्दा शब्द यूज करते हैं इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, के फ्री का राशन। ये भाषा गलत भाषा है, ये भाषा अनडिग्निफाइड भाषा है, ये भाषा मक्कारी वाली भाषा है। इस देश में कोई भी आदमी फ्री का राशन नहीं खाता, वो इसी देश का राशन है। जिन लोगों की हक मारी हुई है, जिन लोगों को मेहनत मजदूरी या उनकी वस्तुओं का, उनकी पैदावार का जो शर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका भाव सही नहीं मिलता, वही लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। दिस इज़ द रीजन, इस देश का एक भी सिटीजन ऐसा नकारा नहीं है जो खा के अपना और अपने परिवार का गुजारा करने में सक्षम ना हो। इस देश का कोई भी नागरिक आतंकवादी नहीं है, असामाजिक तत्व नहीं है, कोई और भी कहीं जो डेजिग्नेशन, शहरी नक्सलवादी। बम्बई में तो एक कानून लाने की कोशिश है जिसमें अर्बन नक्सलाइट्स शब्द की बात है। कौन है ये लोग? और आज उस देश, उसको राजधरोह को मिटा के देशद्रोह टाइप के एक नया कानून जो ले आए सेडिशन को बदल के, उसमें और उसकी डेफिनेशन बढ़ा दी। उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी नज़र गई उसमें, उसमें क्या किया कि इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी, यानी हमारे देश की सिक्योरिटी, जो इकोनॉमिकल इकोनॉमिक कोई तरीका होगा उसको भी कोई उसका विरोध करेगा। ये अर्बन नक्सलाइट क्या है, क्यों नक्सलवादी शब्द ये यूज हो रहा है? ये उन लोगों के खिलाफ हो रहा जो वाकई नेचुरल और एग्जिस्टेंस को, को एग्जिस्टेंस को बचाने में लगे हुए हैं, जो इस देश के वन संपदा को, इस देश के खनिजों को, इस देश की लूट खसोट जो हो रही है या होने की जो साजिश चलती रहती है पॉलिटिकल एरिना में, जहाँ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिनको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो मिलके जो लूट खसोट हो रही है, इसी वजह से है चंद घराने ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। नज़र दौड़ा लो पूरे देश और दुनिया के अंदर, जिन लोगों ने नेचुरल रिसोर्स की चोरी की है विद द कंसेंट, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नेताओं के जरिए जो शासन में होते हैं, ये नेक्सस बन चुका है पूरी दुनिया में, वही लोग सबसे अमीर लोग हैं। सबसे अमीर पहले कौन हुआ इस देश में? टाटा। टाटा ने भी सबसे पहले लोहे की खदान का काम किया। इस देश के जितने भी खदान के लोग हैं उसमें षड्यंत्र चलता है और हक मारी होती है, जिन पे पूरे देश का समान हक है उस हक में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उसको संभालने के लिए जो व्यवस्था चाहिए तो वो व्यवस्था नहीं है, वो शासन है। इस देश का दुर्भाग्य है या गवर्नमेंट का हिंदीकरण क्या किया गया, सरकार, सरकार को जूते मार चुके हैं 1947 जब से ये देश आज़ाद हुआ, क्योंकि पहले सरकार होती थी। सरकार का मतलब जैसे गरीब या अमीर लोगों के बीच में भी गरीब आदमी कहता मेरी सरकार हो, आप इस तरह की फिल्में इस देश में दिखाएगी, कोई सरकार वरकार नहीं, इस देश में व्यवस्था है। गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग भी बदलने की जरूरत है, व्यवस्था होना चाहिए। और व्यवस्था में जितने भी लोग हैं, चाहे CM है, PM है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर नॉट गॉडफादर ऑफ दिस कंट्री, वो कोई ऐसे सांड नहीं है इस देश को जैसे चाहेंगे जैसे चलेंगे और जैसे बर्बाद कर देंगे इस देश को। किसी को पावर नहीं है यहाँ, पावर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है
वो सारी की सारी जहाँ से पावर निकलती है वो पावर हाउस है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों पर हैं जो इस देश में रहते हैं, जो ज्योग्राफी अभी उसके अंडर में आता है। इसलिए 140 करोड़ लोगों को जो प्रीएम्बल में लिखा है, जो लक्ष्य इस देश का कि देश पहुँचाना कहाँ पर है, जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा साझा डॉक्यूमेंट है, वो हमारा संविधान है। और संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मसात करते हैं। इसका मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, सभी के साथ न्याय होगा, सबको न्याय की गारंटी है। और गारंटी कौन से न्याय की, सोशल सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है, जिस देश में ऊंच नीच वाले कथा कहानियाँ ग्रंथ पढ़ाए जाते हों, अभी भी शिक्षा में उस तरह से किया जा रहा हो, कुछ लोग तो उसको भगवाकरण कह रहे हैं, जिस कथा कहानियों में ऊंचे और नीचे की बात होती है, दे आर एंटी ह्यूमेन, वे अमानवीय हैं, नेशनल इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटी के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है। हम कोई भी कथा कहानी लिखते हैं उसमें अगर वो कथा कहानी में ही विभाजन की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, अस्तित्व में कोई ऐसा जुगाड़ ही नहीं है जहां मानव जाति को हाथ की लकीर खींच के किसी को राजा और किसी को अमीर होने की गारंटी देता, दैट इज़ नॉनसेंस। कोई ऐसा नहीं है, ये सब एक प्रपंच है, पाखंड है। अस्तित्व किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हर बच्चा हर मानव पूरा सक्षम है। फिर वो सक्षम हो के भी अगड़े पिछड़े क्यों हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कुकर्त्य है, हमने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा, इसलिए सारी की सारी गड़बड़े हैं। और अब देखिए, ये तीनों कानून भी ये शासन की स्थापना के लिए हैं, शासन को और मजबूत करने के लिए कि भाई सीएम पीएम या एसपी या कोई ऑफिसर, उनकी आप बात नहीं मानोगे, वो जो चाहते हैं या उनका विरोध करते हो, सही बात उठाते हो, उनको लगता है तो हमारे खिलाफ़ है, ये बात अगर पूरे समाज में जाएगी तो हम तो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। तो इस मानसिकता के साथ, जो बैर भाव बदले की भावना के साथ काम किया जाता है, और उस कानून का सहारा लेके लोगों को ज़्यादा समय तक और जेल में रखने के लिए, अभी बुरे हालात हो रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही, सरकार अब तो लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार के बावजूद भी लोगों को जमानत नहीं मिल रही, तो क्या है, इमरजेंसी में क्यों जज चुप हो गए थे। जजों को डराया जाता है, जज डर जाते हैं, हमारे जैसे आदमी हैं, और नपुंसकता साबित हुई हमारी पूरी जुडिशियल सिस्टम के अंदर उस वक्त इमरजेंसी में, देश किसके सहारे। फिर मान लो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लगातार सरकार में रहना चाहते हैं, कुछ भी बदमाशी करना चाहते हैं, उसके नीचे है सबसे पहले तो पार्लियामेंट ही है, पार्लियामेंट में भी इस तरह के अगर नकारा लोग हैं जा सकते हैं, बहुत सारे कमज़ोर लोग, चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग जा सकते हैं, हमारा सिस्टम ऐसा है, उसमें कोई समस्या नहीं, मगर उनको पता ही नहीं। आज वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है, ये कानून जिन लोगों ने हाथ उठा के कह दिया हाँ जी पास, ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता, ना उनको फंडामेंटल राइट्स का पता। जब वो खुद फंस जाते हैं फिर वो क्या होता है, फिर पैसे ले दे के या पार्टी बदल के अपने आप को बचा के निकलने की बात होती है। आम आदमी कैसे बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास जुगाड़ नहीं, जिसके पास बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने का समय नहीं। एक सीएम है दिल्ली का डिप्टी सीएम है, एक झारखंड का सीएम है, वो लोग तो बार बार इस देश के सबसे ज़्यादा लर्नड और ज़्यादा जिनके वकालत में नाम है, वो लोग बार बार अपील होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, लाखों रुपये फीस आम आदमी दे पाएगा, 80 करोड़ दे पाएंगे जो निःशुल्क राशन के भरोसे हैं। निःशुल्क राशन लोगों का अधिकार है, खैरात नहीं है किसी के बाप का राशन नहीं इस देश में, जो राशन है इसी देश का, इसी देश ने पैदा किया है। घर में भी एक भाई की आमदनी ज़्यादा, वो काम ज़्यादा कर दे, दूसरा पशुपालन का काम करता है, उसको ऐसे नहीं आकलन कर सकते कि तुम प्रोडक्शन कम करो तुम गरीब हो जाओ। जब तक परिवार है सब साथ साथ चलते हैं, और उसमें से सबको उसका फल मिलता ही है, क्योंकि नौकरी अगर ज़रूरी है तो पशुपालन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज औकात नहीं बची देश के लोगों में, दिल्ली के लोगों में, तो जो साफ़ हवा ले सके या साफ़ दूध भैंस या गाय का पी सके। आप थैलियों का पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उत्पादन करने वाले की इज्जत नहीं हो रही देश में, और वो भी मिलावट वाला सारा दूध नकली, पनीर नकली देश में, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो क्रिमिनल लॉ में सारांश तौर पे हम ये कहना चाह रहे हैं, देश को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, इसको हम क्यों करें, क्यों नहीं किया, क्योंकि देश के 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। और ये कानून कमेटी जो होती है, परमानेंट कमेटी पार्लियामेंट की, उनमें भी डिस्कस और डिबेट नहीं हुई,
और उसके बावजूद हाउस को जितने लंबे समय तक सबके पार्टिसिपेशन के साथ ये कानून पास करने थे वो भी काम नहीं हुआ। ये चोरी चकारी के कानून हैं, ये देश के लिए ख़तरनाक कानून है, ये देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन है, ये देश में एक तरह से जीती जागती एमरजेंसी का प्रमाण है।